हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज में लग गई हूँ, क्योंकि भाई आजकल का मौसम जो है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब हर जगह पेन होता है, क्योंकि इस मौसम में हो ही जाता है। जब भी बारिश वाला मौसम आता है, एसी चलाते हैं, गर्मी लगती है, तो उन सब से क्या होता है कि हड्डियों में दर्द होता है कूलर और एसी से। तो इन सब की मतलब, जैसे आपकी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत से लोग ऐसे बोलती रहती हैं मेरे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाली एक्सरसाइज ना आप ज़रूर कीजिए, चाहे 10-15-20 बार, जितनी बार आप कर सकती हैं उतनी बार। और ये वाली देखिए, कमर के लिए ऐसे रामबाण, और जो हमारा मतलब पेट का फैट होता है ना, वो भी कम होता है। तो ये तो मेरा ना आज माया हुआ नुस्खा है, कि मतलब मेरे जब भी कहीं बॉडी पेन होता है ना, वैसे भी एक्सरसाइज तो मैं डेली करती हूँ, ना करूँ तो ज़्यादा बल्कि मेरे दर्द होने लगता है, और जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरे सारे दर्द छू मंतर हो जाते हैं। तो भाई एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मैंने ना शाम को थोड़े से काले वाले चने भिगो दिए थे, तो बस यहाँ पर लग गई हूँ। उसमें दो आलू भी डाल दूँगी, तो मतलब पूरी सब्ज़ी अच्छी बन जाएगी। और आजकल के मौसम में ना सब्ज़ी भी कुछ समझ में नहीं आती, तो बस मैंने प्याज और लहसुन को इससे मतलब घिस लूँगी, जो मेरा ये कुतरने वाला है, तो बस इससे मैं फटाफट घिस लूँगी। और घिसने के बाद एक तरफ मैं कुकर भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है, तो कुकर चढ़ा दूँगी। जब तक ये हीट हो रहा है, तब तक वो भी मेरा मतलब जो है कट चुका है। और अब मैं इसमें वही सारा कुछ, जो अपना जीरा, उसके बाद लहसुन और अदरक और प्याज, ये सब मतलब जो मैंने अच्छे से उसमें बारीक कट कर लिया था, फिर डाल के भून के फिर मैंने आलू और डाल दिए चने। फिर वही मसाले जो सारी सब्जियों में डलते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, सब कुछ डल चुका है। तो यहाँ पर ना काले चने वाली जो ये सब्जी है ना, तैयार है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये वाली सब्जी, हमारे घर में सबको बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसके बाद मैं तैयार होने जा रही हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका है, साथ में मैंने रोटियाँ भी बना ली है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई हूँ हमेशा की तरह, मतलब सुबह एक तरह मशीन भी लगा के जा रही हूँ स्कूल, मशीन मेरी चल रही है। मशीन तो इसलिए लगा दी हूँ ना कि मतलब मेरे कपड़ा धुला रहेगा, तो यशु घर पे है, उसको बोल दूंगी फैला देगा, तो मेरा एक काम हो जाएगा। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, ये बहुत सॉफ्ट सी है, बहुत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसको ना ये नीचे दबी थी। मेरे ऐसे कुछ कपड़े हैं जो एकदम नीचे दब जाते हैं अलमारी में, फिर वो रह ही जाते हैं, तो इसको मैं बहुत दिनों बाद पहन रही हूँ, तकरीबन एक साल बाद ये मुझे अब याद आई, मैंने कहा लाओ मैं पहन लेती हूँ। तो बस नहा धो ली हूँ, मैं पूजा पाठ करने जा रही हूँ, और खाने में आज बने हैं काले वाले चने। तो ये सब काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने कान्हा जी के पास, भाई इनकी भी सुध ले रही हूँ, क्योंकि कन्हैया को तो पता ही है मैं कितनी ज़्यादा मेरी भागम भाग वाली लाइफ है। तो जो भी मतलब सुबह पूजा होती है वो आप सभी को पता है, और मेरे भगवान जी को भी पता है कि बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से होती है। तो जल्दी जल्दी करके बस यहाँ पर जोत भी जला दी है और आरती भी कर लेती हूँ, क्योंकि इतने से ही मन को संतुष्टि हो जाती है कि मैंने पूजा की है। अगर इतना ही छूट जाए ना, तो फिर पूरे दिन बेचैनी रहती है, और पूरा दिन ऐसे लगता है कि मतलब कुछ मानसिक ना ऐसे खलबली सी मची रहती है कि मैंने आज पूजा ही नहीं किया, पूजा छोड़ दी सुबह सुबह। तो मतलब होता है ना कि दिल की संतुष्टि के लिए मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, तो बस ये चाहे 5 मिनट की मेरी पूजा, बट इतने से मैं बहुत संतुष्ट हो जाती हूँ। और जब मैं स्कूल जाती हूँ ना स्कूटी चलाते हुए, तो मैं कोई ना कोई मंत्र बोलती ही जाती हूँ। आजकल तो महामृत्युंजय मंत्र बोलती जाती हूँ, कभी गणेश मंत्र बोलती जाती हूँ, बस बोलती ही मतलब चलाती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ स्कूल से, और कुछ सामान लेकर आई हूँ, देखती हूँ, करी पत्ता भी लेके आई हूँ, अभी हाथ में ही है, क्योंकि ना यशु को इडली बहुत पसंद है, तो बस जब देखो तो फ्राई इडली बनवा लेता है, मैंने कहा चलो ले चलती हूँ। उसको सामान भी लाए, पेठा वगैरह है, जैसे मटर है, ये वाले मटर इसलिए लाई हूँ, वो गोलगप्पे बनाऊँगी, गोलगप्पे खाने का बहुत दिल है। और भैया ये है नमक, नमक और यही सब है, उनके उल्टे घर की चीज़ें। पहले इसको मैं टांगती हूँ, करी पत्ता ना एयर टाइट डब्बे में रखूंगी, तब सही रहेगा कुछ दिन तक। ये करी पत्ता
लो इसको मैं ना ऐसे करके रख लेती हूँ सारे, ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। बस इसको रख देती हूँ फ्रिज में फिलहाल तो, और अब ये सामान भी ये भी मैं भिगो देती हूँ क्योंकि मेरा ना गोलगप्पे खाने का बहुत दिल है, तो शाम तक हो सकता है मैं बना भी लूँ। ना हिम्मत जैसे लेगी मूड जैसा रहेगा, क्योंकि खाने की अभी बहुत प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं खाऊं। इसमें ना गोलगप्पे के बीच में ये मटर डाल के बनाती हूँ, तो मुझे मतलब हम सबको मटर वाले ज़्यादा पसंद है इसीलिए ये बनाती हूँ मैं। जो आलू की फीलिंग होती है ना वो गोलगप्पे में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ये मटर वाली अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। कभी बना के देखना, वो भी वाइट वाले मटर। इसको मैं लगे हर डिब्बे में शिफ्ट करूँगी डब्बे। भाई मौसम ऐसा आ रहा है ना, हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी ख़राब हो रही है। इतना ही पोछ के सुखा के सब करके आप रखो, और ऐसे लग रहा है जैसे बस पता नहीं कहाँ से नमी आ जाती है, समझ ही नहीं आता। पहले हाथ मुंह धोऊंगी उसके बाद कुछ करती हूँ फिलहाल। और जो छोले सुबह बना के गई थी ना, इस टाइम चावल डालूंगी और कुछ नहीं। यशो मशीन में कपड़े धो के गई थी आपने, बाहर सुखा दिए पता नहीं। देखो ये हाल है आजकल के बच्चों का, देखते ही भी नहीं है। मैं गई तो सोया था, मुझे लगा कि शायद इसको दिखेगा कुछ। ऐसे देखिए सारे कपड़े इसी में पड़े हैं, मुझे ये सब डालने हैं सबसे पहले, उसके बाद ही मतलब हाथ धो के पहले मैं चावल डाल देती हूँ। चावल होता रहेगा ना, एक तरफ मैं ये सब काम कर लेती हूँ। यहाँ पर यशु को पड़ गई डांट, तो यशु ने कपड़े डाल दिए बाहर। भाई काम मेरा हल्का हुआ शुक्र है, और मैं चावल रख के आई हूँ। चावल हो जाए फिर हम खाना खाते हैं। तो वैसे बेशक ना करे, बस मतलब यश है की आदत है, कहने पे वो सारे काम कर देगा पर अपने आप कुछ समझ नहीं आते। यहाँ पर तब तक मेरी ना मतलब सीटी दे चुका है, बस चावल तैयार है, और तब तक मैं ना कपड़े चेंज कर लेती हूँ। लग रही है गर्मी। मैं खाना खा के फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर मैं उठूँगी शाम को, जैसा कि सभी को पता है मेरा रूटीन। तो यहाँ पर शाम के टाइम उठ गई हूँ, मतलब घर के और काम कर ली हूँ। बर्तन वगैरह साफ करने के बाद मैंने वही देखे मटर, मतलब भीग चुके थे तो वही मटर जो फटाफट मैंने बॉयल करने के लिए सिर्फ नमक डाल के चढ़ा दी हूँ। और तब तक ये भी ऑफिस से आ गए थे, यश भी जिम से आ गया था, तो मुझे लगा कि जब मतलब दोनों लोग आ ही चुके हैं तो बस मैं भी फटाफट ये तैयार कर देती हूँ, क्योंकि अगर इसको जल्दी खा लेंगे तभी हम फिर खाना खा सकते हैं। अगर इसमें लेट हो जाएगा तो फिर खाना गया हमारा। तो मैंने इसको बना दिया था मतलब 6 बजे के करीब, और इसको फटाफट देखे तल ली। एक तरफ मैं मेरे पास पैकेट वाला जो पानी नहीं होता है वो डाल के फटाफट मैंने घोल बना लिया था, तो बहुत चटपटा सा बन गया था। उसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल दिया था, थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल दिया था, मतलब खट्टा मीठा सा बना दिया था पानी। और जो है ये मैंने गोलगप्पे, ये पैकेट वाले गोलगप्पे थे ना, तो ये फटाफट तल गए, इसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, तो ये गोलगप्पे बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जो मतलब एक्स्ट्रा इसमें ऑयल था ना वो सब कुछ मैंने निकाल लिया है, बस ज़रा सा छोड़ा है। इसी में मैं मटर को मतलब भून लूँगी अच्छी तरह से। तो इसमें वही सारे मसाले डाल लिए, जीरा हल्दी मिर्च मसाला सब डाल के, और नमक डाला था पहले छोले में तो मैंने नमक नहीं ऐड किया इसमें। अब मैं इसमें पलट लूँगी, पलट के बस इसको 5 मिनट से मतलब कमी बस उसको बॉयल कर दिया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी तो पड़ा नहीं था, जो पानी उसमें था उसी का था। तो ये छोटे छोटे प्याज काट के डाल लिए हैं, या इसमें बूंदी भी डाल दी हूँ। अभी तैयार है बिल्कुल हमारा गोलगप्पे, और इसको हम बैठ के एसी में खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए 8 बजे के करीब तक मतलब खाने का भी नंबर आ ही गया था 2 घंटे बाद। तो यहाँ पर भरवा करेले बना दी थी अभी शाम को, और छोले वही वाले हैं जो मैंने उसके लिए बनाया था, वो बच गया था, तो थोड़ी सी प्याज काट दी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।